तो दोस्तों आज मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में। अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में नए हैं या उसमें आप करियर बनाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आज मैं 10 ऐसे वेबसाइट्स के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है आपके करियर के ग्रोथ में, या ऑलरेडी अगर आपकी एजेंसी है तो आपके क्लाइंट्स को भी खुश कर सकते हैं इन सारे वेबसाइट्स का यूज़ करके। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लें, एंड ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट त्रिलोक पे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली वेबसाइट जो आती है हमारे इस टॉप 10 वेबसाइट्स में से, वो आती है ग्राफिक्स बर्गर। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट्स मिलते हैं जो आप पर्सनल यूज़, जैसे आप देख सकते हैं फ्री फॉर बोथ पर्सनल कमर्शियल यूज़, तो कमर्शियल भी एंड पर्सनल यूज़ भी इसे कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जैसे मॉकअप्स मिल जाते हैं। अगर मैं मॉकअप्स पर क्लिक करके दिखाऊँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी सारे मॉकअप्स ऑलरेडी डिज़ाइन, जैसे फ़ोन का, बॉटल्स के एंड टी शर्ट्स, देखें आप बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल है। आप इसमें से कोई भी यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट भी है, बैकग्राउंड्स भी है, यूज़र इंटरफेस किट्स भी है, इसमें आप इंस्टाग्राम स्टोरी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसे आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए दोस्तों आप सेकेंड हम वेबसाइट की ओर जाते हैं जो कि सिलेटे है। ये सिलेटे.ac.com है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सिलेट मिलती है। ये एक्चुअली क्या होता है सिलेट, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर शेप को एक सॉलिड कलर में दिखाया जाता है, किसी एक सिंगल कलर में, जैसे यहाँ ब्लैक कलर में विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो देख सक रहे ये सारी चीज़ें, इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, अपने ग्राफिक्स वर्क में, या अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए, अगर आप ग्राफिक्स वर्क काम कर रहे हो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी वेबसाइट से जो हमारी, वो है आइकन फाइंडर। तो आजकल क्या होता है, कई बार हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, कई बार हम लोग ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसमें आइकन्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं सर्च करूँ ट्विटर, मैं ट्विटर को सर्च कर लेता हूँ, तो जैसे देखिए मैंने सर्च किया, इसमें काफ़ी सारे ट्विटर के अलग अलग आइकन्स आ गए। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम प्रीमियम छोड़ के फ्री वाले पे जाएंगे तो फ्री वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ पे दोनों है, प्रीमियम है, पेड एंड प्रीमियम दोनों है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पसंद आया तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ और इसे यूज़ भी कर सकता हूँ। ये देखिए फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको बस सेल नहीं कर सकते। देखिए आप लिखा हुआ है यू कैन नॉट सेल द आइकन, बस यही चीज़ नहीं करना है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई आइकन फाइंडर एक। इसके अलावा दूसरी जो है एंडलेस आइकन्स, फ्री आइकन लाइब्रेरी। तो ये देखिए काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ अवेलेबल है, देख लीजिए आप कोई भी आइकन इसमें से यूज़ कर सकते हैं अपने ग्राफिक्स वर्क के लिए। और ये काफ़ी आसान रास्ता है, काफ़ी आसानी से आपको आइकन्स मिल जाते हैं इसे यूज़ करने के लिए, और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज की जो टॉप 10 में पांचवी वेबसाइट हमारी आइकन्स को लेकर जो कि आती है फ्लैट आइकन। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट का, यहाँ पे आप डायरेक्टली फ्लैट आइकन की वेबसाइट पे चले जाएं। और दोस्तों मैं इन सारी वेबसाइट्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ जाकर आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये फ्लैट आइकन हो गया, तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इसमें डायरेक्टली सर्च पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा जैसे कि बुक्स। मुझे बुक्स का अगर मान के चलो मुझे आइकन्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं बुक्स सर्च करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स के आइकन आ गए, हम इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं बुक्स के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया, यहाँ पे PNG ऑप्शन है, PNG में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से साइज से चाहे तो जो भी आप साइज चाहे उस साइज़ में डाउनलोड कर सकते हैं उसे, चाहे तो इसके अलावा एडिट भी कर सकते हैं इस आइकन को। आप इसमें देखिए कलर्स भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो भी कलर आप चाहें तो वो कलर चूज़ कर सकते हैं आप। ये कलर ऑप्शन भी है, उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन में आपका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए ये आपका स्केलिंग है, तो अपने हिसाब से यूज़ करें। मूव करना है तो मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन,
तो सारे ऑप्शन अवेलेबल, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं इसे, आप चाहे तो इसके इसमें शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में चाहे सर्कल, रेक्टेंगल या आप स्क्वायर जो भी चाहे, उसके बाद उसके कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस कलर का आपको बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ से देखिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस भी अवेलेबल है इसमें, ताकि आप जो भी चाहे, आपको कलर में चाहिए कलर में यूज़ करें, नहीं तो आपको जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद PNG करके इसे आप डाउनलोड, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है एट्रीब्यूशन का, यहाँ पे एट्रीब्यूशन आप दे दें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब हमारी इस लिस्ट में 6th जो नंबर पे वेबसाइट आती है वो है reallygoodemails.com। ये एक ऐसी, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे ईमेल्स आपको रिसीव होते हैं हमेशा ऑन अ डेली बेसिस, तो यहाँ पे उसमें काफ़ी खूबसूरत टेम्पलेट्स बनाए होते हैं। तो वो टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली टेम्पलेट्स डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर इस तरह का अगर आपको ईमेल आता है तो आप जनरली सोचते हो कैसे बनाना है, डेफिनेटली इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इन्होंने पहले से ही रेडी कर रखा है टेम्पलेट्स, यहाँ से इसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर शॉप के लिए करना चाहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, देखिए जैसे ये मोबाइल के ऊपर बनाया हुआ है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत इन्होंने पहले से टेम्पलेट डिज़ाइन कर रखा है। बस इसे आपको यूज़ करके अपने हिसाब से एडिट करके आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ सर्च का ऑप्शन है, यहाँ जैसे अगर मुझे ई कॉमर्स के लिए चाहिए तो मैं ई कॉमर्स के लिए डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ। अब ई कॉमर्स रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं ये खुद ही खुद शो कर देगा, जैसे मैं कुछ भी एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। ये देखिए कैमरे के लिए इसने जैसे एडवर्टीजमेंट डाला उसमें एक ईमेल के थ्रू, तो ये भी आप डायरेक्टली यहाँ से अच्छे खूबसूरत ईमेल्स बना सकते हैं, ये भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। और अगर आप कोई और वेबसाइट आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं जिसे हमें ऐड करना चाहिए इस लिस्ट में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जब भी आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करते हैं, वो है फॉन्ट्स। तो ये फॉन्ट्स देखिए, यहाँ पे आपके पास एक आ जाता है thefont.com, यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, इनके लुक के हिसाब से भी इनको डिज़ाइन डिवाइड किया हुआ है यहाँ से, तो आप इसको फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से जिस तरह के आपको फॉन्ट्स चाहिए। एंड उसके बाद जो भी फॉन्ट्स पसंद आए वहाँ पे डाउनलोड पे जाए क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसका नेक्स्ट फॉन्ट वाली वेबसाइट आती है फॉन्ट फैब्रिक, तो ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आपका लुक है इसका, इस वेबसाइट का आप देख रहे हैं, मैं जिस भी फॉन्ट पे ले जा रहा हूँ फॉन्ट का मुझे नाम बता दे रहे हैं, उस फॉन्ट को मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर यहाँ से आपको डायरेक्टली आपको कुछ समझ में आता है तो। जैसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉन्ट हम देख पाएंगे। ये आपका फ्रीमियम है, ये फ्री भी है एंड पेड भी है, तो आपको फ्री एंड पेड आपको देख लेना होगा एंड उससे आपसे डाउनलोड कर सकते, डाउनलोड फॉर फ्री, तो ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये होगी आपकी फॉन्ट्स की वेबसाइट। अब आती है बात पिक्चर्स की, ग्राफिक्स की, तो वो फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस फुटेज कहाँ से मिलेंगी जो कि कॉपीराइट फ्री हो। तो यहाँ देखिए तो ओवर 2.4 मिलियन हाई क्वालिटी स्टॉक इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक रीशेयर्ड ओवर टैलेंटेड कम्युनिटी, तो 2.4 मिलियन से ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ देखिए सब हाई क्वालिटी है, आप देख सकते हैं क्वालिटी इनकी कितनी अच्छी है, और इसे आप यूज़ भी कर सकते हैं कमर्शियली, वो भी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के लिए आता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीशेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी काम की वेबसाइट। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन सारी वेबसाइट्स के बारे में पता कर सकते हैं। एंड अब हमारी आखिरी जो वेबसाइट आती है, कोई भी आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर ग्राफिक्स डिज़ाइंस कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो आपको बोलता है पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए आपने क्या काम किया है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि आप खुद की एक जो पोर्टफोलियो बनानी होता है, तो ये आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, तो उसके लिए ये वेबसाइट सबसे बेस्ट वेबसाइट है जिसका नाम है behance.net। ये वेबसाइट पे आप जाके खुद की अपनी एक प्रोफाइल रेडी कर सकते हैं, जब भी आपसे कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल मांगे डायरेक्टली आप उन्हें शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट वहाँ से। जैसे मैं कुछ एग्जांपल में एक आध, चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ये किसी नतालिया की है, तो ये देखिए डायरेक्टली आप अपनी ये प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, देखिए इनकी प्रोफाइल है ये, देखिए यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, कौन से टूल्स पे काम करते हैं वो भी दिख रहा है सारा फोटोशॉप के। एंड देखिए इन्होंने जो अभी तक काम किया है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत इनका काम है,
आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने ऑलरेडी बना रखे हैं। इसका सबसे बेस्ट लाइक बेनिफिट ये है कि आप जब भी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो यहाँ क्या होता है, पोर्टफोलियो में आप अपनी हाई क्वालिटी इमेजेस एंड सेम साइज में ही आप इसे अपलोड कर सकते हैं ताकि आपको अपनी क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। अभी क्या होता है, उसके बाद यहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं एंड डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी काम भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो 10 वेबसाइट्स है काफ़ी मदद करेंगी आपके ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के करियर के लिए। और अगर आपको कुछ कमेंट्स है, कुछ आपके डाउट्स है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।